Hello everyone, today we will discuss a poem, A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. Before starting the video, please subscribe my channel and share this video to your friends. A Tiger in the Zoo poem Leslie Norris ke dwara likhi gayi hai. Inka zan 21 May 1921 mein hua tha. Leslie Norris ka pura naam जॉर्ज लेस्ली नॉरिस था। यह एक वेल्स पोएट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन पोस्ट वॉर पीरियड ही रोट मेनी पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पोस्ट वॉर पीरियड में इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज और पोयम को लिखा, प्रकाशित करवाया। लेस्ली नॉरिस जब 12 वर्ष के थे तो यह एक प्रतिष्ठित कवि बनना चाहते थे। 17 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी पहली कविता का प्रकाशन करवाया। उसी वर्ष 1938 में इन्होंने अ टाइगर इन द जू पोयम भी लिखा। लेस्ली नॉरिस जब छोटे थे तो ये डायलन थॉमस और वेर्नन वैटकिंस जैसे कवियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। 1943 में इन्होंने अपनी कविताओं का संग्रह को प्रकाशित करवाया। 19 वर्ष की आयु में लेस्ली नॉरिस ने रॉयल एयरफोर्स ज्वाइन किया। यह वर्ल्ड वार में अपनी सेवा देना चाहते थे, इसलिए इन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन किया। 1940 में इन्होंने पायलट की ट्रेनिंग ली। अनफॉर्चुनेटली ही गॉट ब्लड पॉइजनिंग फ्रॉम स्टील रोप एंड डिस्चार्ज्ड फ्रॉम आर्मी इन 1941। दुर्भाग्य से ब्लड पॉइजनिंग एक एक्सीडेंट में हो जाने के बाद इन्हें 1941 में सेना से हटा दिया गया। अगले ही वर्ष इनके पिता की मृत्यु कैंसर से हो गई। अ टाइगर इन द जू पोयम 5 स्टेंजा में लिखी गई है। हर एक स्टेंजा सेम राइम स्कीम पैटर्न को फॉलो करता है। पांचों स्टेंजा में ए बी सी बी राइम स्कीम पैटर्न को फॉलो किया गया है। फर्स्ट स्टेंजा को हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पोएट क्या मैसेज देना चाहते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। टाइगर जब पिंजड़े में होता है तो कुछ ही कदम चल पाता है, उसकी चाल में एक अकड़ होती है। यह अकड़ उसके ताकत के कारण ही होता है। उसके शरीर पे काले रंग की धारियां होती हैं जिसकी पृष्ठभूमि पीले रंग की होती है। टाइगर कुछ ही कदम चल पाता है। उसके पैर मखमली हैं। टाइगर शांत दिखता है लेकिन उसका क्रोध भी प्रकट होता नजर आता है। इस स्टेंजा में कुछ लिटरेरी डिवाइसेस के प्रयोग किए गए हैं। राइम स्कीम पैटर्न तो ए बी सी बी ही है। स्ट्राइप्स केज क्वाइट रेज ये चारों पंक्तियों के अंतिम के शब्द हैं जिसमें सिर्फ केज और रेज ही मेल खाते हैं, बाकी के सभी शब्द एक दूसरे से मेल नहीं खाते। इसलिए ए बी सी बी राइम स्कीम पैटर्न यहाँ पे होगा। इसमें पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। टाइगर को एज ए ह्यूमन बीइंग एड्रेस किया जा रहा है जबकि टाइगर एक एनिमल है। ही टाइगर के लिए प्रयोग किया गया है जबकि ही किसी मनुष्य के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ मेटाफोर का भी प्रयोग किया गया है।
जैसे कि यहाँ पे पैड्स ऑफ वेलवेट, जो पंजे हैं उसकी तुलना वेलवेट से की जा रही है, टाइगर के पंजों की तुलना मखमल से की जा रही है। और जब भी कोई डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, एक व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जाती है, तो इसे हम मेटाफोर कहते हैं। यहाँ एंजॉयमेंट भी देखने को मिलता है, जब एक पंक्ति के बाद बिना किसी पंक्चुएशन के प्रयोग किए दूसरे पंक्ति को लिख दिया जाता है तो यह एंजॉयमेंट कहलाता है। पहली पंक्ति स्ट्राइप्स के बाद बिना किसी पंक्चुएशन के बाद के दूसरी पंक्ति को लिख दिया गया है। इसके अलावा जो अंतिम पंक्ति है वहाँ क्वाइट रेज, दो ओपोजिट वर्ड्स का यूज किया गया है। ऐसे ओपोजिट वर्ड्स के यूज करने पे उन्हें ऑक्सीमोरन कहा जाता है। यहाँ टाइगर को शांत और क्रोधित दोनों बताया जा रहा है, तो क्वाइट रेज ऑक्सीमोरन है। अगले स्टेंजा में पोएट लिखते हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। टाइगर को कहाँ होना चाहिए, तो उसे शैडो में होना चाहिए, मतलब कि कहीं छिपा हुआ होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, घने लंबे घास के मैदान जहाँ वह छिप सके, वहाँ छिप के उसे धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए अपने शिकार की तरफ। नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास, वाटर होल के आसपास इर्द गिर्द जो जल के स्रोत होते हैं जंगल में, जहाँ मोटे तगड़े हिरन अक्सर पानी पीने आते हैं, अन्य जीव जंतु भी वहाँ पानी पीने आते हैं, टाइगर को वहाँ छिप के इन हिरणों का शिकार करना चाहिए। पोएट बताना चाहते हैं कि एक एनिमल अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में ही अच्छा लगता है। टाइगर एक वाइल्ड बीस्ट है और जंगल का माहौल ही उसके लिए ठीक है, न कि यह जू में जो केज है वह उसके लिए उचित है। इसमें भी कुछ लिटरेरी डिवाइसेस के प्रयोग किए गए हैं। यहाँ राइम स्कीम सेम फॉलो किया गया है, ए बी सी बी। एंजॉयमेंट यहाँ पे भी देखने को मिलता है, फर्स्ट लाइन के बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन में किसी पंक्चुएशन का प्रयोग अंत में नहीं किया गया, इसलिए एंजॉयमेंट ग्रास होल और पास के बाद एंजॉयमेंट है। एलिट्रेशन का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, पी साउंड जो स्टार्ट होता है, दो दो यहाँ पे वर्ड हैं प्लम्प और पास, यहाँ पी साउंड का रिपीटेशन होता है। इसके बाद हम लोग अगले स्टेंजा में देखते हैं, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। टाइगर को अब पोएट कहते हैं कि जंगल के छोर पे होना चाहिए, जहाँ जंगल के छोर पे एक गांव बसा हो और यह गांव वालों को अपनी उपस्थिति का एहसास करा सके, जोर से दहाड़ करके गुर्रा करके। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेराइजिंग द विलेज, वह अपने चमकते सफ़ेद दांतों के द्वारा, अपने मजबूत पंजों के द्वारा गांव वालों को डरा सके। तो जब तक टाइगर पिंजड़े से बाहर नहीं होगा, वह अपने सामर्थ्य का, अपने एबिलिटी का पूरा प्रयोग नहीं कर पाएगा, अतः उसे बाहर होना चाहिए। यहाँ भी कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का प्रयोग किया गया है। राइम स्कीम पैटर्न सेम फॉलो किया गया है, ए बी सी बी। एंजॉयमेंट यहाँ भी देखने को मिलता है, फर्स्ट लाइन हाउसेस के बाद कोई पंक्चुएशन नहीं है और इसके बाद सीधे सेकेंड लाइन का प्रयोग किया गया है। यहाँ एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का यूज़ किया गया है। ओनोमेटोपिया जब किसी भी एनिमल साउंड की बात आती है तो उसे
ओनोमेटोपिया कहा जाता है। इसके बाद एसोनेंस का यूज़ किया गया है जहाँ पे वोवेल साउंड का रिपीटेशन सुड अराउंड हाउसेस में ओ और बेयरिंग हिज वाइट हिज में आई साउंड का रिपीटेशन हुआ है। अगले स्टेंजा में हम देखते हैं बट ही हैज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल हैज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन टाइगर जो है उसे ही हैज़ बीन कन्फाइंड, उसे कैद कर दिया गया है एक छड़ सीमेंट के बने हुए सेल में, कोठरी में, कंक्रीट सेल में, उसके भीतर इसे कैद कर दिया गया है। उसका सामर्थ्य, उसकी ताकत इसी सेल के भीतर बंद हो गई है, कैद हो गई है। वह कुछ ही कदम चल पा रहा है, उस पिंजड़े की लंबाई को वह अपने कदमों से नापता है और आने जाने वाले आगंतुकों को इग्नोर करता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। यहाँ लिटरेरी डिवाइसेस के यूज़ किए गए हैं, राइम स्कीम पैटर्न सेम फॉलो किया गया है। यहाँ फिर से टाइगर को एक बार ही कह के संबोधित किया गया है, मतलब फिर से पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा यहाँ एसोनेंस का यूज़ हुआ है, वोवेल साउंड का यहाँ पे आप यूज़ देख सकते हैं। ही लॉक्ड कंक्रीट सेल में ई का रिपीटेशन हो रहा है। एलिट्रेशन का यूज हुआ है, बी साउंड बिहाइंड बार्स, यहाँ पे रिपीटेशन वोवेल साउंड का हुआ है बिहाइंड बार्स। इसके बाद जो लास्ट स्टेंजा है उसमें हम लोग देखते हैं, पोएट लिखते हैं ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। टाइगर जो है रात के वक्त जब जू बंद हो जाता है, उस समय जो गश्त पे निकले होते हैं जो पुलिस वाले पेट्रोलिंग कार्स जो होते हैं उनकी आवाज़ यह सुन पाता है, अंतिम आवाज़ सुन पाता है रात्रि के समय, और यह अपनी चमकती आंखों से उन चमकते तारों की तरफ देखता है, जिसे देख के ऐसा लगता है कि मानो टाइगर भगवान से पूछ रहा हो कि मुझे आखिर यहाँ क्यों कैद कर दिया गया है, मेरा यहाँ क्या काम, मुझे तो जंगल में होना चाहिए था। यहाँ भी आप लिटरेरी डिवाइसेस देख सकते हैं, सेम राइम स्कीम पैटर्न लास्ट स्टेंजा में भी किया गया है, ए बी सी भी राइम स्कीम पैटर्न है। इंजॉयमेंट यहाँ पे आइज के बाद जो फोर्थ थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन है यहाँ पे इंजॉयमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा एलिट्रेशन का यूज हुआ है, एच साउंड का यहाँ पे आप रिपीटेशन देखेंगे, ही हियर्स, और एसोनेंस का यूज हुआ है, आई का यहाँ पे रिपीटेशन आ रहा है विथ हीज एंड ब्रिलियंट में। तो ये पोएम समाप्त होती है, हम अगले वीडियो में मिलेंगे दूसरे पोएम के साथ, तब तक के लिए बाय।